कीरतपुर नेरचौक फोर लेन के महिला में एक अज्ञात शव मिला है। पुराना लग रहा यह शव महिला पुल के नीचे पाया गया है। यह शव किसी पुरुष का है जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास लग रही है। मृतक ने धारीदार टी शर्ट पहन रखी है, उसके पाव में जूते नहीं है। शव के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज न मिलने से मृतक का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर स्वारघाट की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को अपने कब्जे में लिया। मामले की पुष्टि करते हुए SHO स्वारघाट राजेश वर्मा ने बताया कि फिलहाल शव को सार्वजनिक पहचान के लिए शव गृह बिलासपुर रखा गया है। यदि कुछ दिनों में मृतक की पहचान नहीं हो पाती है तो शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 8 तारीख को इस महीने की हमें जो स्वान पंचायत के उपप्रधान है श्री जसविंदर सिंह जी, उन्होंने इतला दी थी कि गांव मेला में फोर लेन के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तो इस इतला पर जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो हमने वहां गांव मेला में जो फोर लेन है उसके ब्रिज के नीचे हमने अज्ञात व्यक्ति के शव को पाया। उसका हमने निरीक्षण वगैरह किया और स्थानीय लोगों से इसके बारे में हमने जब जानकारी हासिल की तो उनके अनुसार पाया गया कि ये व्यक्ति जो है कोई मानसिक तौर पर एक विक्षिप्त व्यक्ति था जो 4-5 दिनों से फोर लेन के आसपास घूम रहा था और नंगे पांव था, वस्त्र भी उसने नाममात्र धारण कर रखे थे। तो लोगों का कहना है कि इसको कुछ भोजन पानी भी दिया जा रहा था लेकिन ये उसको ग्रहण नहीं कर रहा था। तो दिनांक 8 तारीख को इसको फोर लेन ब्रिज के नीचे जो है मृत हालत में पाया। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के माध्यम से भी स्पॉट का विजिट करवाया है और मृतक को हॉस्पिटल RH बिलासपुर ले जाकर उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई है और मृतक के शव को जो है 72 घंटे के लिए हमने बिलासपुर के डेड हाउस में सार्वजनिक तौर पर पहचान के लिए रखा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने नहीं आया है। तो कल तक जो है हम इसका दाह संस्कार कर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हमारा सार्वजनिक तौर पर यह निवेदन रहेगा, हमने इसका फोटो भी डाला हुआ है, ये अज्ञात व्यक्ति है, 35-40 के करीब इसका एज लगता है और इसका जो हुलिया है वो एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति की ही तरह है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी हो या इसके कोई परिवारजन हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो बिलासपुर के डेड हाउस में हमने उसके शव को रखा हुआ है, वो आकर के हमारे साथ संपर्क करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।